हेलो आईएएस एस्पिरेंट्स, माय नेम इज अनुराग बच्चन एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ द्रोणाचार्य आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। सो पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू एक्वेंट यू प्रॉपरली विद जनरल स्टडीज। एवरी नाउ एंड देन व्हेन एवर वी कम अक्रॉस एनी स्टेट सिविल सर्विसेज और आईएएस एग्जाम, तो हम ये चीज सुनते हैं, हम ये नाम सुनते हैं जीएस, जनरल स्टडीज, और मोर ओवर हम सबसे ज्यादा यही नाम सुनते हैं। और जब हम सर्च भी करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जीएस क्या होता है, तो हमें कई तरह के जवाब मिलते हैं, जिसमें से एक बड़ा प्रोमिनेंट सा जवाब होता है कि इन आईएएस व्हाट इज इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन जीएस व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट टू स्टडी, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज व्हाट नॉट टू स्टडी। बट नोबडी टेल्स अस हाउ टू डिसाइड व्हाट नॉट टू स्टडी, वेयर टू स्टॉप। उसके लिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीएस क्या होती है, और वही चीज हमें आगे हेल्प करेगी ये डिसाइड करने में कि जनरल स्टडीज में किसी भी टॉपिक को हमने कहां रोक देना है। देखिए, जीएस की एज सच कोई फॉर्मल एकेडमिक डिग्री नहीं होती है। कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो पहले मास्टर्स एंड बैचलर्स इन जनरल स्टडीज ऑफर करती थी। मतलब उनका ये मानना था कि एकेडमिक्स में जीएस एक वो स्टडी है जो आपको ओपिनियन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अगर हम यहां आईएएस के हिसाब से देखने की कोशिश करें, तो मैं ये दो लाइंस ड्रॉ करता हूं और इनके बीच में जीएस को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये लाइन से नीचे मैं लिखता हूं जीके, और इस लाइन से ऊपर मैं, सॉरी, इस दो लाइंस मैं ड्रॉ करता हूं। जस्ट अ मोमेंट, आई एम नॉट एक्वेंटेड टू द सिस्टम प्रॉपरली, दैट्स व्हाई दीज थिंग्स हैपन। सो जीके, और इसके ऊपर है एक्सपर्ट लेवल। दोनों के बीच में ये जो लेवल है, दिस इज जीएस। नाउ हाउ टू डिसाइड, कैसे समझें इस लेवल को? देखिए, वो सारी चीजें जो आपसे या किसी से भी एक्सपेक्टेड हैं कि ये तो सबको ही पता होनी चाहिए, कम पढ़े लिखे को भी, अनपढ़ को भी, ज्यादा पढ़े लिखे को भी, मोस्ट बेसिक चीजें जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट लाइन फैक्ट्स, फर्स्ट लाइन फैक्ट्स, फर्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स, वो जीके में कवर्ड होते हैं। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ताजमहल कहां पे है, तो सबका आंसर होगा आगरा में। किसी का दिल्ली में नहीं है ताजमहल, सबका आगरे में ही है। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने, ऑलमोस्ट सबको पता है। किसके लिए बनवाया? अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए। ये कम पढ़े लिखे को भी पता है, छोटे बच्चे को भी पता है, लेकिन फ्रंट लाइन फैक्ट्स या फर्स्ट लाइन फैक्ट्स या फर्स्ट लाइन कॉन्सेप्ट्स के बाद जो फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उन्हें हम जीएस की कैटेगरी में डालना शुरू करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि इन फैक्ट्स को समझने के लिए, इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए या फैक्ट्स को याद करने के लिए हमें कोई स्पेशल डिग्री नहीं लेनी होती। ये जरूरी नहीं है कि इनको समझने के लिए या याद करने के लिए हम कोई स्पेशल डिग्री करें, स्पेशल एजुकेशन लें, दिस इज नॉट नेसेसरी। नाउ इसी को ले लेते हैं, हम ताजमहल को ही ले लेते हैं कि अगर सबको पता है कि ताजमहल आगरा में है, मुमताज महल के लिए बनाया, शाहजहां ने बनवाया, सेकंड लाइन फैक्ट्स आ जाते हैं कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल के आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद ईसा और उस्ताद लाहौरी। ये याद करने के लिए आपको कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई स्पेशल एजुकेशन कोर्स, जिसे कहते हैं जाके कि बैचलर्स और मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ताजमहल का फ्रंट एलिवेशन ड्रॉ करिए, ताजमहल का साइड एलिवेशन ड्रॉ करिए, देन ओनली दोज पीपल कैन डू, ओनली दोज पीपल कैन डू हु आर इंजीनियर्स, हु हैव लर्न्ड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। वो एक्सपर्ट लेवल की बात आ गई। तो हम यहां पे जीएस को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जीएस कंप्राइजेज ऑफ, आप इसको बिल्कुल नोट करके लिख के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, रोज पढ़िए, जीएस कंप्राइजेज ऑफ दोज फैक्ट्स
एंड कॉन्सेप्ट्स विच कैन बी लर्नड एंड अंडरस्टूड बाय अ नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन विदाउट डूइंग एनी पर्टिकुलर डिग्री और विदाउट डूइंग एनी पर्टिकुलर कोर्स इन एकेडमिक्स. ये जीएस होता है. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. सबको पता है कि डेंगू एक फीवर है. कैसे होता है? मॉस्किटो बाइट से होता है, मच्छर के काटने से होता है. कौन सा मच्छर? एडीज इजिप्टाई. बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा के चौक पे उसकी फोटो के साथ नाम लिखा होता है डेंगू के सीजन में, जब अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं. तो हम ये मानते हैं कि ये जीके है, जनरल नॉलेज है जो आम आदमी तक अवेयरनेस पहुंचाई जाती है. अगर हम बात करें कि क्या डेंगू की कोई दवाई होती है जिसको लेने से आदमी ठीक हो जाए, जो इंजेक्शन लगाने से डेंगू का पेशेंट ठीक हो जाए? जी हाँ, होती है, डेंगवैक्सिया. क्योंकि ये सेकंड लाइन का फैक्ट है तो ये जीएस में जाएगा. और डेंगवैक्सिया क्या भारत यूज करता है? जी नहीं, भारत यूज नहीं करता है. मैक्सिको यूज करता है, फिलीपींस यूज करता है, भारत यूज नहीं करता है. क्यों यूज नहीं करता है? व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? इसको समझना. आईसीएमआर क्यों इसको अलाउ नहीं करता है? व्हाई नॉट? व्हाट इज ड्रग पॉलिसी ऑफ इंडिया जिसमें डेंगवैक्सिया फिट नहीं होती है? तो ये सारी समझ कहां आती है? जीएस में. लेकिन अगर आप मेरे से पूछें कि सर डेंगवैक्सिया इंजेक्शन है, ये मसल में लगता है कि वेन में लगता है, ज्यादा लग जाए तो क्या साइड इफेक्ट्स आती हैं, उनको कैसे टैकल करना है, तो ये एक्सपर्ट को पता है. ये आपको जीएस में पता होना जरूरी नहीं है. ठीक वैसे जैसे ताजमहल का एग्जाम्पल लिया कि अर्जुमंद बानो बेगम यहां पे है, उस्ताद ईसा लाहौरी उसके आर्किटेक्ट्स यहां पे है. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ताजमहल टूवर्ड्स इंडिया टूडे, टूवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी टूडे, इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज टूडे, वो जीएस है. लेकिन ताजमहल का फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन वो यहां पे है. सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली डिसाइड कि आपने जीएस में किसी भी टॉपिक को कहां पे रोकना है. अगर आप टीचर को कंसल्ट करते हैं तो टीचर का ये ड्यूटी बनती है कि वो आपको बता दें, क्योंकि टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो आपको बता दें कि बेटा तेरा क्वेश्चन जो है वो इस लेवल पे चला गया, इसका आंसर ये है, पर तुझे जीएस में इसकी जरूरत नहीं है. तो आप हमेशा लॉजिकली टीचर साहिबान के साथ भी ये डिस्कशन करिए कि किस प्रकार से, जब भी आपको कहते हैं कि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप एक रैशनलिज्म को लेके आइए बीच में कि सर किस प्रकार से मेरा जो क्वेश्चन है वो इस लेवल को छोड़ के इस लेवल पे जा रहा है, मतलब इस लेवल से निकल के इस लेवल की तरफ जा रहा है. अगर वो आपको ये एक्सप्लेन करते हैं तो बिल्कुल उनका ये कहना कि आप छोड़ दीजिए मत पढ़िए, ये कहना बिल्कुल सही है. नाउ हम आगे देखते हैं कि जीएस जो है वो दो तरह की होती है. वन इज बेसिक जीएस. आईएएस में जो हम जीएस पढ़ते हैं, या पीसीएस में, या स्टेट सिविल सर्विसेज में जीएस पढ़ते हैं, वो दो तरह की होती है. एक को एक बेसिक, एक अप्लाइड. बेसिक में क्या चीजें आ जाती हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी. ये जो ईटी लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है जीएस. मतलब आपको उसके सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर सारे प्रिंसिपल्स के साथ पढ़ेंगे तो वो पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा. पॉलिटी, पॉलिटी होती ही जीएस है. एक्सपर्ट लेवल पे जाके ये पॉलिटिकल साइंस होती है. उसी तरह से इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सपर्ट लेवल का सब्जेक्ट है, वो प्रिंसिपल्स के साथ पढ़ना है आपको. लेकिन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का वो पार्ट जो जीएस में आता है. हर सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है जो जीके के अंडर आ जाता है, एक पार्ट होता है जो एक्सपर्ट होते हैं. हर सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है जो इन दोनों पार्ट के बीच में होता है, और ये जीएस कहलाता है. जैसे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का जो जीएस पोर्शन है वो पॉलिटी और इकोनॉमी कहलाता है. उसी तरह से जनरल साइंस, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर बेसिक जीएस. मतलब जब भी आप आईएएस की तैयारी शुरू करते हैं, पीसीएस की तैयारी शुरू करते हैं, तो आपको यहां से करना होता है. आप कभी भी अप्लाइड एडवांस्ड लेवल से ना स्टार्ट करें, चाहे आपको मैं ही करवाऊं. जैसे
अप्लाइड में क्या कुछ आ जाता है? अप्लाइड में आता है आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, सोसाइटी, एनवायरमेंट साइंसेस, फिर आपका गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपके सिक्योरिटी इश्यूज, ये सब कुछ कहां पे है? ये सब आपके अप्लाइड लेवल पे है, एडवांस्ड लेवल पे है। मतलब ये सारी चीजों को समझने के लिए पहले आपको ये आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। ये आपको हमेशा ये समझने में हेल्प करता है। हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आर्ट एंड कल्चर में आसानी रहेगी, सोसाइटी में आसानी रहेगी। ज्योग्राफी पढ़ा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट साइंसेज, इवन कल्चर, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी जगह के कल्चर के डेवलप होने में। फिर पॉलिटी पढ़ा है तो गवर्नेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो आईआर। इस प्रकार से बेसिक जीएस हमेशा आपकी एडवांस्ड जीएस को फैसिलिटेट करती है। जिस तरह से इन दोनों का एक हॉरिजॉन्टल रिलेशन है, उसी तरह से इनका वर्टिकल रिलेशन भी है। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि यार बनना हमने आईएएस है, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसका भी एक बड़ा रीजन है। हिस्ट्री, मैं फिर से लिख रहा हूं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस, जब आप आईएएस बन के सर्विस कर रहे होंगे तो आप हर रोज तीन तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। यू विल फेस लोग जो आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, देश जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम्स हैं सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। इन तीन तरह की प्रॉब्लम्स के आपने चार सब तरह के सॉल्यूशन देने होंगे, सोशल सॉल्यूशंस, पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, इकोनॉमिक सॉल्यूशंस एंड साइंटिफिक सॉल्यूशंस। साइंस इज अ सॉल्यूशन। इवन नाउ वी आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, आई एम ट्राइंग टू गिव माय व्यूज टू यू, इट इज हैपनिंग थ्रू साइंस, इट इज हैपनिंग थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस प्रकार से ये सारी चीजें, ये बेसिक चीजें, चलो अप्लाइड की तो आप समझते ही हो सिग्निफिकेंस क्या होती है, किस प्रकार से ये बेसिक जीएस आपको आईएएस ऑफिसर्स को सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देती है और ये आपको सॉल्यूशंस बनाने में, ढूंढने में हेल्प करती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए आप आईएएस बन गए और आप एक ऐसे जिले के डीसी हैं जिधर फार्मर सुइसाइड बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो आप डीसी बन गए, मतलब आप इसका हिस्सा बन गए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आप आईएएस हैं। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये देश का एम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर कंट्री का एम होता है। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ज्योग्राफी किसी एरिया का कल्चर तय करती है और ज्योग्राफी, जैसी ज्योग्राफी हो वैसी ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। आप पहाड़ों में जाके, बहुत बहुत मुश्किल है कि वहां पे जाके आप धान की फसल उगाएं, बहुत बड़ा झाड़ दें, उसका ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसा मौसम होगा वैसा कपड़ा पहनेंगे, ये भी ज्योग्राफी ही तय करती है। मैंने कल्चर, जैसी भूमि होगी, जैसा जैसी लैंड होगी वैसा वहां पे फसलें उगेंगी और वही खाने का पैटर्न होगा। पंजाब में पीपल वुड लव टू ईट साग एंड मक्की की रोटी, तो केरल में पीपल वुड लव टू ईट सांबर, क्योंकि वहां पे मसाले उगते हैं और पंजाब में साग उगता है। तो ज्योग्राफी कल्चर को भी तय करती है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी तय करती है, और जैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वैसी ही सेलिब्रेशंस इकोनॉमिक सक्सेस के ऊपर, ऑक्यूपेशनल सक्सेस के ऊपर डिपेंड होती हैं, ऑक्यूपेशनल सक्सेस के ऊपर फेस्टिवल्स बनते हैं, जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बनते हैं। तो मैंने ज्योग्राफी एक बार फिर से कल्चर के ऊपर असर डालती है, इकोनॉमी को तय करती है, इकोनॉमिक सक्सेस फेस्टिवल्स को तय करता है, ज्योग्राफी खाने के पैटर्न को तय करती है, पहनने के पैटर्न को तय करती है। तो इस प्रकार से कल्चर के ऊपर तो असर डालती ही है, इकोनॉमी के ऊपर भी असर डालती है। साइंस जो है वो सॉल्यूशन है, मैंने बता दिया। अब देखिए, आप एक ऐसे जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं जो जिधर फार्मर सुइसाइड है, तो फार्मर सुइसाइड है तो आपको इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि फार्मर सुइसाइड क्यों कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फार्मर सुइसाइड कर रहा है क्योंकि वो डेट ट्रैप में है, वो कर्जे के तले दबा हुआ है और उसके घर में भूखमरी है, उसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं और वो उनको देख नहीं पा रहा है और वो सुइसाइड कर रहा है। अब अगर हम इसको दूर करने के लिए चले तो कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने होंगे?
सबसे पहले उसके घर से, उसके घर में भुखमरी क्यों है, उसके पास पैसे क्यों नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि उसकी फसल सही से नहीं हो रही है। उसकी फसल सही से नहीं हो रही है, उसकी फसल सही क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसके पास पानी नहीं है। मतलब फ्रंट लाइन पे ये प्रॉब्लम हमें एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नजर आती है, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे भी कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस हैं। मतलब फसल नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे बारिश नहीं हो रही है। बारिश क्यों नहीं होती है वहां पे? क्या कभी चांसेस हैं वहां पे बारिश होनी शुरू हो जाए? ये आंसर्स आपको ज्योग्राफी देगी। कई जगह तो ऐसी है कि बारिश का होना मुश्किल है, हम जितने मर्जी कोशिश कर लें, यज्ञ कर लें, प्रार्थना कर लें, क्योंकि भगवान ने उस इलाके को ऐसा बनाया है। लेकिन जब ऐसा बनाया तो उसको अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स दी है। अब वहां पे और क्या हो सकता है? सबसे पहला हमारे दिमाग में जो सॉल्यूशन आता है वो यही आता है कि सर वहां पे ऐसी फसलें उगाएं जिनको कम पानी चाहिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें आप। वो तो लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, पहला सॉल्यूशन आ गया, क्रॉप्स बदल दीजिए। ठीक है, ये तो लोग ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, डन, इससे सारा काम नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ लोग कहेंगे सर वहां पे पानी पहुंचाए रहे, वेरी गुड, दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है। पहला सॉल्यूशन ये, दूसरा सॉल्यूशन वहां पे पानी पहुंचाया जाए। कहां से पानी पहुंचा सकते हैं वहां? अगर नॉर्थ इंडिया की नदियों को हम साउथ इंडिया से कनेक्ट करें, उत्तर भारत की नदियां जो हैं, जब कम बारिश होती है तब भी इनमें बाढ़ आती है। ये सारी रेनफेड नहीं है, सिर्फ ये पहाड़ों से पानी लेके आती है। तो अगर इस सरप्लस पानी को हम कनाल्स बना के साउथ इंडिया की रिवर्स में डालें तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकती है। परंतु ये प्लान हम पिछले 70 साल से ही कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने यह प्लान एम विश्वेश्वरैया जी के साथ बनाया था और लागू करने की कोशिश की। इसमें कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, इसमें फेडरलिज्म की प्रॉब्लम्स भी हैं। एक स्टेट अपना पानी दूसरी स्टेट को देने के लिए रेडी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है जिसको 70 साल से नहीं कर पाए हैं और हो सकता है आगे बहुत टाइम लग जाए। तीसरा सोल्यूशन हमें लगता है कि सर यहां पे इंडस्ट्री ले जाई जा सकती है। इंडस्ट्री को कनेक्टिविटी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, वो सब चाहिए, रोड्स चाहिए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में हमें वहां पे डेवलप करना होगा। कुछ लोग सॉल्यूशन देते हैं सर यहां पे सोलर पावर लगाई जा सकती है। तो कई तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है, आप देखिए कि सॉल्यूशन सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा। क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई कर दीजिए, यह सॉल्यूशन ज्योग्राफी से आ रहा है। आप कनाल्स को, नदियों को जोड़ दीजिए, ज्योग्राफी का सॉल्यूशन है। उसमें सरकारों का आपस में टकराव आ जाता है स्टेट्स का, पॉलिटी में पढ़ते हैं। आप वहां पे सोलर पैनल्स लगाइए, साइंस में पढ़ते हैं, सोलर एनर्जी बनाइए वहां पे सोलर पार्क। फिर हिस्ट्री भी सॉल्यूशन देती है यहां पे। वो कैसे? यहां पे सोचा जाता है कि अगर इन लोगों के घर में दूध आ जाए तो बच्चे दूध पिएंगे, भूखे नहीं रहेंगे, और दूध जब सरप्लस हो जाएगा तो इसी दूध को बेच के एक्स्ट्रा इनकम भी आ सकती है। लेकिन दूध कहां से आए? प्रॉब्लम यह है कि दूध कहां से आए? अब गाय या भैंस खुद की, उनकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए दूध गाय भैंस के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। वो पीती बहुत है पानी, और नहाने में उनको बड़ा पानी चाहिए, और फॉडर क्रॉप खाती हैं, उसको उगाने के लिए फिर से पानी चाहिए। तो यहां हिस्ट्री में एक सॉल्यूशन मिलता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने फरमाया है कि बकरी जो है वो गरीब की गाय है, दरिद्र नारायण की गाय है। तो अगर यहां पे बकरी पालन शुरू करवाया जाता है तो इन लोगों को दूध भी मिलेगा और मीट भी मिलेगा, सरप्लस इनकम भी मिलेगी। और अप्रैल 2018 से सरकार ने इस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है कि ऐसे इलाकों में बकरी पालन को किस प्रकार से बड़े एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है। बकरी, अगर एक बकरा बकरी इंट्रोड्यूस आज होते हैं तो एक साल के बाद, क्योंकि वो 3 बार रिप्रोड्यूस करती है साल में और हर बार ट्रिपलेट्स या क्वाड्रपलेट्स देती है, तो एक साल के बाद ही वहां पे 10 जीव हो सकते हैं। और आज अगर उनकी 3 लीटर उनके घर में दूध आता है, 2 लीटर आता है, तो एक साल के बाद हो सकता है वहां पे 6-7 लीटर दूध वहां पे डेली आ रहा हो। तो इस प्रकार से सारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस,
सारे के सारे सब्जेक्ट्स अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, इस लेक्चर में, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके डाउट्स पूरे रिड्रेस किए जाएंगे, आपके डाउट्स का आंसर आपको दिया जाएगा। प्लीज कीप दीज कमेंट्स वेरी रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल, और सिर्फ उन्हीं कमेंट्स को हम रिप्लाई करेंगे। आगे हम देखते हैं, जीएस हमने समझ लिया कि क्या होता है। इसके बिना एक और जो बात हम देखते हैं वो ये होती है कि सर जीएस में बड़ा ब्रीफ आंसर लिखना होता है। दे ओनली गिव यू 200 वर्ड्स एंड somehow you write 150 to 180 words. Granted कितने हैं 200, लिखने कितने हैं, लिखते कितने हैं 150 से 180, तो 20 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 4000 वर्ड्स हम लिखते हैं। और रेंज बहुत होती है, जैसे आप जीएस वन को देख लीजिए, जीएस वन में आपके पास हिस्ट्री भी है, आर्ट एंड कल्चर भी है, सोसाइटी भी है, ज्योग्राफी भी है, और आपके पास इतनी डाइवर्सिटी जीएस वन लेके बैठा हुआ है। अब 20 क्वेश्चन जब आप लिखते हैं तो रेंज बहुत हो जाती है, अलग अलग टॉपिक्स की रेंज है, रेंज और डेप्थ दोनों, और वर्ड मिले 200। एक्सप्लेन करने के किड्स दो ही तरीके होते हैं, एक होती है ब्रीफिंग, दूसरी होती है डिटेलिंग। जीएस का पेपर जो है वो रेंज और डेप्थ दोनों का है, लेकिन एक्सप्लेन आपको ब्रीफली करना है, हेंस इट इज नोन एज ब्रीफिंग। आप ज्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं कर सकते हैं, ज्यादा सजा नहीं सकते हैं आंसर को। सबसे बड़ी चीज जो मेंस के आंसर में है वो है रेलेवेंस। आप रेलेवेंट आंसर लिखिए, जो पूछा है वो बताएं। जबकि हमें आदत होती है कि किस प्रकार से हम कॉलेज के एग्जाम्स में जो कुछ भी हमें उस टॉपिक के बारे में आता है, कई बार वही सब कुछ लिख के आ जाते हैं, जैसे एग्जामिनर को कह रहे हो कि भाई तेरे काम का जो है तू रख ले, तू खुद ढूंढ ले। तो इस प्रकार से हमें यहां जीएस में वो नहीं कर सकते हैं, हमें वी हैव टू स्टिक टू द क्वेश्चन, रेलेवेंट व्हाट एवर इज ही आस्किंग वी हैव टू राइट दैट ओनली, रेलेवेंट टू दैट ओनली, इधर उधर नहीं जा सकते। मैं आंसर राइटिंग के ऊपर एक अलग से लेक्चर लूंगा, उसमें बताऊंगा क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, डिस्कस क्या होता है, कमेंट क्या होता है, और एनालाइज वाले आंसर को कैसे लिखना होता है, वो मैं उसमें करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईएएस का एग्जाम या पीसीएस का एग्जाम डिटेलिंग को इग्नोर करता है। योर डिटेलिंग इज ऑल्सो टेस्टेड बट इन एस्से। यहां पे आपको मौका दिया जाता है कि बेटा जितने मर्जी जौहर दिखा लो, इट्स विद यू, डन। तो दिस इज द डिफरेंस दोनों में। एस्से का पेपर क्यों है, हाउ वेल यू एक्सप्लेन इन डिटेल एंड हाउ वेल यू एक्सप्लेन इन ब्रीफ, दैट इज चेक्ड बाय जीएस। उसी डेप्थ को आप ब्रीफली कैसे बता देते हैं, दैट इज अंडर जीएस। पूरा सजा धजा के कैसे वो सामने प्रेजेंट करते हैं, दैट इज अबाउट एस्से। तो इस प्रकार से ये भी आप समझ गए। आगे देखते हैं कि ये सारा मेंस का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव रहता है। नाउ व्हाट इज सब्जेक्टिव, देखिए ऑब्जेक्टिव में आंसर इज सेम फॉर ऑल, आंसर इज सेम फॉर ऑल, लेकिन सब्जेक्टिव में आंसर मे डिफर फ्रॉम ईच अदर, मे डिफर, आंसर मे डिफर। Why? क्योंकि सब्जेक्टिविटी होती है आपकी विचारधारा, जिस तरह से आपकी विचारधारा एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिफर करती है, उसी तरह से आपके आंसर भी एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफर करेंगे, दैट इज क्वाइट नेचुरल। आपको इतना ज्यादा जीएस में इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपकी जो सब्जेक्टिविटी है वो करेक्ट एंड राइट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड हो जाए। आप विम्स फैंसीज में ना रहें, आप फैंटेसीज में ना रहें, एक्चुअल चीज क्या है उसके ऊपर बेस्ड आपकी विचारधारा हो। देखिए सब्जेक्टिविटी कैसे बनती है, आप जब कोई फैक्ट पढ़ते हैं या कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं
तो उसमें से कई जो हैं वो आपके बिलीफ्स बन जाते हैं, वो आपके बिलीफ सिस्टम में जाते हैं, और इनमें से कई आगे आपकी वैल्यूज बन जाती हैं। अब जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो आपके पेपर को ये नहीं कहा जाता कि यार पेपर्स आर चेक्ड इन मेंस, क्या टर्म यूज करते हैं, इवैल्यूएशन। अब ये इवैल्यूएशन जो है मींस इसमें अपने आप ही अंडर ये चेक हो रहा है कि आपने जो फैक्ट सीखे हैं, जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसने उसने आप में क्या वैल्यूज पैदा करी हैं। नो, ये वैल्यूज ऐसा नहीं है जब आपको कमेंट किसे, ये वैल्यू सिर्फ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में जाके चेक नहीं होती। प्लीज, जब भी आपको कमेंट करने के लिए कहा जाता है, कमेंट और क्रिटिकली एनालाइज, वैसे मैं ये क्लास अलग से लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमेंट और क्रिटिकली एनालाइज में वो आपके विचार जान रहा है, और डिस्कस में वो दो तरह के विचारों का टकराव चाहता है। क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है? मैंने लोगों को कहते हुए सुना है क्रिटिकल एनालिसिस इज क्रिटिसाइज, दैट्स अ जोक। क्रिटिकली एनालाइज और क्रिटिसाइज सेम नहीं है, बहुत फर्क है। कई बार मैंने देखा है क्रिटिकली एनालाइज को लोग बताएंगे यू हैव टू गिव द नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स। बेटा, गिविंग नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स इज नॉट क्रिटिकली एनालाइज, गिविंग नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स इज डिस्कसिंग। अगर ये क्रिटिकली एनालाइज है तो फिर डिस्कस क्या है? क्रिटिकली एनालाइज मतलब, थोड़ा सा बता देता हूं यहां पे, क्रिटिकली एग्जामिन या क्रिटिकली एनालाइज मतलब कि जो हो रहा है, जो हुआ है और जो होना चाहिए था, आइडियली जो हमने तय किया था कि इसको ऐसे करना है, और रियली जो किया है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे ढूंढना और उसके रीजंस को ढूंढना कि ये क्यों डिफरेंस आया है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकली एनालाइज। संविधान क्या है? प्रीएम्बल में वैल्यूज इंश्राइन कर दी, हम कहते संवैधानिक वैल्यूज को इंश्राइन किया गया है प्रीएम्बल में, तो आपको यहां से समझ जाना चाहिए कि वैल्यूज सिर्फ वहां चेक नहीं होती, वैल्यूज बड़ी तरह की होती है, सिर्फ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी तक सीमित नहीं है। संविधान हमारे हर एक्शन को, देश की हर पॉलिसी को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए है। संविधान हमें बताता है कि हमारे गोल्स क्या हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए वेज एंड मेथड्स हमने कौन से रखने हैं। जैसे आपका गोल है, मान लीजिए कि आपने अमीर होना है, लेकिन आपका वे है कि आपने नशा बेच के नहीं होना है। अगर आप नशा बेच के अमीर हो रहे हैं तो आप अपने वेज से हट गए। इज इट क्लियर? अगर आपने बोला मैंने अमीर नहीं होना है, मैंने तो सेवा करनी है, आप अपने गोल से हट गए। तो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा अच्छा या बुरा होता है, मैं ये बता रहा हूं कि किस प्रकार से वेज एंड मीन्स होते हैं और गोल्स एंड एम्स होते हैं। संविधान हमें अपने देश के गोल्स एंड एम्स भी बताता है एंड वेज एंड मीन्स टू अचीव दोज गोल्स एंड एम्स भी बताता है। कोई भी पॉलिसी इस देश में बनती है, संविधान के अकॉर्डिंगली उसका क्रिटिकल एनालिसिस होता है। कहां ये वेज एंड मीन्स से हट रहे हैं, कहां ये गोल्स से हट रहे हैं, और उसके बाद कोई भी एक्शन हम लेते हैं जब उसे इंप्लीमेंट करते हैं तो ये पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उस एक्शन